नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो गया है खबरों का, रुक कर लेते हैं खबर की ओर। खबर बहराइच से, जहां पर देखिए बहराइच में खूनी भेड़िया पकड़ा गया। आपको बता दें कि रात से चल रहे कॉम्बिंग के बाद देखिए भेड़िए को पकड़ लिया गया है और अब तक कई लोगों का शिकार कर चुके हैं ये भेड़िए। कई दिनों से लगातार इलाके में इन्होंने दहशत फैला कर रखी थी। बता दें कि लगातार इनका आतंक देखने को मिल रहा था और लगातार देखिए वन विभाग की टीम भी प्रयास ही कर रही थी, तो आज एक भेड़िए को पकड़ लिया गया। आज बता दें कि कई लोगों को देखिए ये भेड़िए अपना शिकार बना चुके हैं, तो वन विभाग की टीम देखिए एक भेड़िए को आज पकड़ लिया है। तो बहराइच में खूनी भेड़िया पकड़ा गया, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कॉम्बिंग तेज कर दी गई थी, लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहा था, भेड़िए की तलाश की जा रही थी और वन विभाग की टीम ने आज एक भेड़िए को पकड़ लिया है। तो बहराइच के वैसे इलाके में लगातार देखिए भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा था। चार भेड़ियों की पहले भी पकड़ हो चुकी थी और इसके बाद से आज पांचवा भेड़िया पकड़ा गया है। कहा जा रहा है कि अब एक भेड़िए की तलाश की जा रही है, वन विभाग की टीम देखिए लगातार प्रयास कर रही है। आपको बता दें कि ये आदमखोर भेड़िए कई लोगों को अपना निवाला बना चुके हैं और कई लोगों को घायल भी कर चुके हैं, कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो खास कर ये आदमखोर भेड़िए बच्चों को अपना निशाना बनाते थे और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए बहराइच में एक आदमखोर भेड़िया पकड़ लिया गया है। तमाम तरह के देखिए निर्देश दिए गए थे, शार्प सूटर लगाए गए थे, लगातार प्रयास किया जा रहा था किस तरीके से इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा जाए और एक भेड़िया देखिए पकड़ लिया गया है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए तो आए दिन इन भेड़ियों का आतंक देखने को मिलता था, किसी ना किसी को ये अपना निवाला बनाते थे, अपना शिकार बनाते थे। देखिए कई लोगों को ये भेड़िए घायल कर चुके हैं और कई लोगों की जान भेड़िया पकड़ा गया है। हमने छह पकड़ने की बात कही गई थी, उसमें से पांच पकड़ लिए हैं, एक अभी भी फरार है, भागा हुआ है और उसको भी हम जल्द ही पकड़ लेंगे। प्रयास तो लोग हम डेली कर रहे हैं, 100% कर रहे हैं। उसको कवर्ड करके रखा गया है। अभी हमारे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन सर इसको निर्णय लेंगे कि ये कहाँ जाएगा। खूनी भेड़िए के आतंक से कहीं ना कहीं बहराइच का महसी जो तहसील है वहाँ से के ग्रामीण परेशान थे, 50 से ज़्यादा ऐसे ग्रामीण थे परेशान थे। लेकिन कल देर रात से कॉम्बिंग की गई थी और कल शाम को भारत समाचार ने आपको बताया था कि इनके जो पैरों के निशान है भेड़ियों के वो यहाँ पर मिले हुए थे और उसे कॉम्बिंग की गई। वन विभाग की टीम लगातार रात में लगी हुई थी और रात में कॉम्बिंग करने के बाद अब सीधे तौर पर भेड़िए को पकड़ा गया है और इसी पिंजरे पर कैद करके उसे यहाँ से लेके जाया जा रहा है। लगातार इसके आतंक से कहीं ना कहीं 10 से ज़्यादा मौतें हुई थी और 50 लोग तकरीबन घायल हो चुके हैं और उन घायलों के बाद लगातार प्रयास कर रही थी वन विभाग की टीम कि इसके आतंक से ग्रामीणों को बचाया जाए और ग्रामीण जिस तरीके से दहशत में थे, परेशान थे और लगातार डर का जो माहौल था वो बना हुआ था। लेकिन बड़ी जो है मशक्क़त के बाद इस भेड़िए को पकड़ लिया गया है और अब ये कहा जा सकता है कि जो 7 भेड़िए देखे थे उसमें 5 अब तक वन विभाग की टीम के साथ जो है उनको पकड़ लिया गया है और अब केज के साथ उन्हें लेके यहाँ पर रखा गया और यहाँ से वन विभाग लेके टीम निकल रही है। तो ये कहा जा सकता है कि जो आतंक था, जो भेड़िए के आतंक से लोग परेशान थे, उन्हें आज सुबह जैसे ही सूर्य की किरण पहली निकली है उसके बाद उन्हें राहत की खबर मिली है और यही वजह है कि अब लोगों को जो भीड़ है, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। कैमरा पर्सन निखिल के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, बहराइच। बहराइच में भेड़ियों के आतंक से लोग परेशान थे लेकिन आज भेड़िया एक बार फिर से पकड़ा गया है और सीसीएफ रेणु सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। एक तो पहले बहुत बधाई आपको, बड़ी मेहनत के बाद भेड़िया पकड़ा गया है, आगे क्या रणनीति है, किस स्ट्रेटजी के साथ आप काम? देखिए आगे अभी जो हम लोगों ने इसको पकड़ा है, थोड़ा सा रणनीति हम लोगों ने चेंज की थी। कल शाम को इसने नथवापुर से एक बकरी उठाई थी, फिर उसके बगमास को हम लोगों ने ट्रैक किया और फिर मॉर्निंग में हम लोगों ने इसको रेस्क्यू कर लिया, मॉर्निंग में इसको हमने उठा लिया क्योंकि रात में रेस्क्यू ऑपरेशंस होते नहीं हैं, इसलिए मॉर्निंग में हमने इसको पिक किया। तो किस तरीके से इसे पकड़ा गया है, क्या लग रहा है कि अगले के लिए क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि इस पर ड्रोन का इस्तेमाल आप लोगों ने नहीं किया? नहीं, ड्रोन का इस्तेमाल किया है, ऐसा नहीं कि ड्रोन का इस्तेमाल नहीं किया, ड्रोन के बिना ड्रोन के इस्तेमाल के तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ड्रोन को एक स्टेज के बाद रोक दिया क्योंकि इतना स्मार्ट ये हो गए थे कि ड्रोन्स को देखते ही भागने लग जाते। जैसे ही ड्रोन्स आए इनको ये मालूम चल गया था
कि जैसे ड्रोन्स आएंगे फिर हमारे पकड़ने का समय आ जाएगा, तो ये उससे फिर भागने लग गए थे ड्रोन्स को देख करके। लेकिन इस बार जब उसने बकरी उठाई, पगमार्क्स आए उसके, तो उसके पीछे पीछे उसको ट्रैक करके हम लोगों ने फिर पगमार्क वाली जो टेक्निक है उसको यूज़ किया। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आपने सुना कि ड्रोन को एक स्टेज तक का इस्तेमाल किया गया था, उसके बाद जो उनके पग सिन है उसके जरिए इन्हें ट्रेस किया गया और अब ये कहा जा सकता है कि पांचवा भेड़िया पकड़ लिया गया है, अभी जल्दी और जो बाकी भेड़िया है वो पकड़ा जाएगा। कैमरा पर्सन निखिल गौड़ के साथ संजय प्रताप सिंह, बार समाचार, बहराइच। और चलिए आगे बढ़ते हैं।